दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। सर, अजमेर शहर का एकमात्र इंदिरा गांधी स्मारक जो यहां पर बना हुआ है शहर के बीचों बीच, और वहां पर आकर के देखिए तो आप ऐसी हालत है कि गाड़ियाँ खड़ी है, गंदगी पड़ी है, आप यदि सड़कें खुदी पड़ी है, मतलब प्रशासन को मालूम होते हुए भी उस चीज़ को कोई लापरवाही करते हुए मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और गाड़ी हमने खुद ने आकर के सुने, हमने फूल देकर के रिक्वेस्ट करके गाड़ी हटवाई है यहाँ से, इतनी बड़ी पार्किंग पीछे बनी हुई है, पार्किंग में लोग व्यापारी लोग गाड़ी खड़ी नहीं कर करके यहाँ खड़ी करते हैं। तो मेरा भी उनसे निवेदन है कि अगर आगे से अगर वो खुद अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका विरोध करेंगे, और यातायात जो यातायात विभाग है हमारा पुलिस का, उनको भी हम ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि वो गाड़ी दुकानों के बाहर टू व्हीलर खड़ी होती है तो उनको उठा करके तो ले जाते हैं, उनकी कार्रवाई तो कर लेते हैं, लेकिन स्मारक के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी है उनको क्यों नहीं उठाते वो भाई? अगर वो कार्य अगर स्टार्ट करना लगेंगे तो व्यापारी अपना भी गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। तो हम इस बारे में यातायात विभाग से भी मिलेंगे, यातायात प्रभारी से भी मिलेंगे हमारे डिप्टी साहब से, और आगे से अगर यहाँ पर व्यवस्था रहती है तो प्रशासन को जाकर के हमसे अवगत कराएंगे, और विरोध करना पड़ा तो विरोध भी करेंगे। डॉक्टर सुनील लारा, यूथ कांग्रेस। अभी आज हम यूथ कांग्रेस के सभी साथी यहाँ पे इंदिरा गांधी स्मारक पे इकट्ठा हुए थे। यहाँ हम लोगों ने देखा ये स्मारक के बाहर में गाड़ियाँ कुछ पार्किंग लगी हुई थी जो कि गलत है, इससे आमजन को भी परेशानी होती है, और दूसरी बात में हम कार्यकर्ताओं की भी भावनाओं को ठेस पहुंचती है कि इंदिरा गांधी स्मारक पे अगर कोई कांग्रेसी यहाँ से गुजरता है तो यहाँ पे नतमस्तक होकर के जाता है, यहाँ पे फूल उनको चढ़ा करके जाता है, या आकर के कोई यहाँ पे इंदिरा गांधी जी को नमस्कार करता है तो यहाँ पे जगह नहीं मिलती है। इस वजह से जो आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पे जो व्यापारी हैं या जो जिन लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी थी उन लोगों को गुलाब का फूल देकर के उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो यहाँ पे गाड़ी ना पार्क करें, गाड़ी पार्क करने के लिए अंदर अच्छी बड़ी पार्किंग बनाई है, सुविधा दी है गवर्नमेंट ने, तो अपनी गाड़ी वहाँ पर पार्क करें। और दूसरी बात, यहाँ पर क्योंकि कई दिनों से सफाई नहीं हुई थी, थोड़ा हम यहाँ पर आज नगर निगम को भी हम लोगों ने बोला है कि इंदिरा गांधी स्मारक, क्योंकि हमारे देश की ये प्रधानमंत्री हमारी बोल्ड प्रधानमंत्री रही हैं, आयरन लेडी रही हैं, जिनको पूरा आयरन लेडी के नाम से जानता है, तो उनके यहाँ पे अगर गंदगी रहेगी तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आज यूथ कांग्रेसियों ने इस चीज़ को, यहाँ पे जो कचरा वगैरह था उसको भी साफ किया है, और हम सब लोग जो हैं नगर निगम से इसके बाद में जाके मांग करेंगे। इसके बाद भी अगर गाड़ियाँ लग जाती हैं तो हम लोग वापस एक बार नगर निगम से हम लोग मांग करते हैं कि भाई इस तरीके की दोबारा नहीं हो, अगर फिर भी अगर लगता है तो फिर दूसरा हम लोग स्टेप अपने तरीके से उठाएंगे। मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अजमेर यासिर चिश्ती।